बात करते हैं बेंगलुरु की। जी हां, पुलिस का दावा है कि बेंगलुरु में एक सिविल सर्जन की इंजीनियर की दिनदहाड़े हुई हत्या की गुत्थी उन्होंने सुलझा ली है। पुलिस की हैरानी इस बात की है कि गोवा, तमिलनाडु और केरल में जिस हत्यारे का सुराग वो ढूंढती रही, वही हत्यारा मृतक के घर में ही मिला और वो भी उसकी पत्नी निकली। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म के बाहर इस तरह रोती धोती महिला को देखकर कोई शक ही नहीं कर सकता कि इसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। भाग्य लक्ष्मी को जैसे ही पता चला कि उसके पति की हत्या हुई है, वो अपने पूरे परिवार के साथ रोते धोते मौके पर पहुंची। भाग्य लक्ष्मी ने जिस तरह रोना धोना मचाया, पुलिस के पड़ोसियों को भी उस पर शक नहीं हुआ और पुलिस हत्यारे के सुराग की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। जांच के बाद पुलिस को यह साफ हो गया कि हत्या की वजह कारोबारी रंजिश नहीं थी। ऐसे में शक की सुई पति पत्नी के निजी रिश्तों की तरफ घूमी। भाग्य लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या के दिन और उससे पहले भाग्य लक्ष्मी और चेलूराज नाम के शख्स के बीच कई बार बात हुई थी। चेलूराज से कड़ी पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक शंकर ने उसे और भाग्य लक्ष्मी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से शंकर काफी दुखी था और पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। फिर भाग्य लक्ष्मी ने अपने पति को मरवाने का फैसला किया और चेलूराज ने अपने दोस्तों के साथ इसे अंजाम दिया। हमने भाग्य लक्ष्मी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध की वजह से यह हत्या की गई। पिता की हत्या हो गई है और माँ हत्या के जुर्म में जेल में है। ऐसे में इनकी 5 साल की बेटी का भविष्य अधर में लटक गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.